अभी हाल ही में एनिमल मूवी रिलीज हुई जिसमें जो है बहुत ज़्यादा चर्चाओं में ये मूवी आ रही है, जहाँ ये धाकड़ कमाई तो कर ही रही है लेकिन साथ ही साथ कई सारी बातों के लिए और ज़्यादा चर्चाओं में ही, जहाँ इसका एक पॉपुलर गाना हो रहा है अर्जन वैली नाम से, तो आपने भी ये सुना होगा। जहाँ इस मूवी में जो है अर्जन वैली नाम का एक गाना है जिसको जो है इस तरह से फिल्माया गया है कि रणबीर कपूर के पिताजी को हमला करने, रणबीर कपूर पर हमला करने गुंडे लोग आते हैं, तब उसका सामना करने के लिए रणबीर कपूर अकेले जाता है, वो भी कुल्हाड़ी लेकर। तब उसके जो है उसके जो साथी होते हैं पंजाबी लोग, वो लोग उसे वो गाना सुना के जो है प्रोत्साहित करते हैं। अर्थात ये गाना इतिहास से लिया गया है। अर्जन वैली जो कि हरि सिंह नलवा जी के पुत्र थे, उनके ऊपर ये जो है गाना, ये लोकगीत जो है पंजाबी लोकगीत है उनके ऊपर आधारित है। तो आइए इसके डिटेल में जानते हैं कि एनिमल मूवी में किस प्रकार से इसको अडेप्ट किया गया है, किस प्रकार से इतिहास से इसका कनेक्शन है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अर्जन वैली ये जो सॉन्ग है, जो टाइटल है, ये एक तरह का जो है शीर्षक है किसके लिए, अर्जन सिंह नलवा के लिए, जो कि किसके पुत्र थे, हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा वो थे जिन्होंने जो है जो अफगानिस्तान में जिनका खौफ हुआ करता था 18वीं 19वीं शताब्दी में जब इनका जन्म हुआ था, उस समय से जो है ये महाराजा रणजीत सिंह के जो है कमांडर थे और इतने बड़े सशक्त कमांडर थे कि ये जीवन में कभी युद्ध नहीं हारते हैं। और इनका खौफ इतना था कि इनको देख के जो है अफगानिस्तान के जो अक्रांता होते थे वो घर से नहीं निकलते थे और सलवार सूट पहन के महिलाओं की तरह वो भेष बदल के घूमते थे। तो सोचे कितना इनका खौफ और कितना इनका भय रहा होगा। तो इस प्रकार से महाराजा रणजीत सिंह के दिग्विजय अभियान में उनके जो है कमांडर इन चीफ थे हरि सिंह नलवा, जिनको जो बाघ मार या टाइगर किलर कहा जाता है, जिनको शीर्षक मिला हुआ है इसका। तो इन्हीं के पुत्र थे अर्जन सिंह नलवा, जिन्हें जो है अर्जन वैली कहा जाता है। और ये जो गाना जो अर्जन वैली है वो उन्हीं के लिए ये गाया जाता है, क्योंकि जब 1837 में हरि सिंह नलवा जी का देहांत हो जाता है तब उसके पश्चात जो है कमांडर इन चीफ बनते हैं अर्जन सिंह नलवा, अर्थात उनके पुत्र थे जवाहर सिंह और अर्जन सिंह नलवा। तो अर्जन सिंह जब उन चीफ बनते हैं तो उनके लिए ये जो लोकगीत है, जो कि पंजाबी लोकगीत है, पंजाब में बहुत ज़्यादा पॉपुलर, इसी को जो एनिमल में जो है एक ऐतिहासिक रेफरेंस के लिए, हिस्टोरिकल रेफरेंस के रूप में यूज़ किया गया है, जिसको हम आपको बताने वाले हैं। तो अर्जन सिंह नलवा जो है कमांडर इन चीफ बनते सिख एम्पायर के और वो जो है डोमिनेट करना शुरू करते हैं। तब उनको कहा जाता है कि एक बार उन पर एक बाघ हमला करता है, तब वो जो है अपने कटार से उस बाघ की हत्या कर देते, उसे मार डालते हैं। इस प्रकार से जो है पिता और पुत्र दोनों ही टाइगर किलर कहे जाते हैं, दोनों ही बाघ मार गए। तो अर्जन सिंह नलवा जो सिख अंपायर के चीफ एंड कमांडर बनते हैं, तब वो जो है अपना अभियान चलाते हैं, तब उन्हें उनके लिए गाना जो है फेमस आता है, जिसमें जो है गाने का आप लाइन सुन सकते हैं, जहां एनिमल में जो लिखा गया है वो गाना के लाइन पहला कुछ इस प्रकार से है, जहां अर्जन वैली सॉन्ग का ही पहला आप जो है लाइन सुनेंगे तो इसमें यह कहा जाता है, वो खड़े बीच डांग खड़के उते हो गई लड़ाई भारी। अर्थात इसका अर्थ होता है कि भीड़ जो है बहुत बड़ी, उसमें लड़ाई हो रही है, जहाँ पे अकेले कौन जाते, अर्जन सिंह नलवा। इसी कारण से एनिमल में आप देखेंगे तो फिल्माया गया है रणबीर कपूर को अकेले जाते हुए। उसकी अगली लाइन आती है कुछ इस प्रकार, जिसमें जो है पॉपुलर लाइन है, जिसमें कहा जाता है कि अर्जन वैली ने पैर जोड़ के गंडासी मारी। अर्थात अर्जन वैली अर्थात अर्जन सिंह नलवा ने जो पैर जोड़ के अर्थात पूरे बल से गंडासी अर्थात कुल्हाड़ी को मारते हैं अपने शत्रु पर। अर्थात भीड़ में लड़ाई चल रही है, वहाँ पर अर्जन सिंह नलवा अकेले होते हैं, जो कि कुल्हाड़ी को जो है पूरे अपने बल पूर्वक, पूरे अपनी शक्ति से, अपनी पूरी क्षमता से जो है शत्रुओं के ऊपर प्रहार करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो रणबीर कपूर को भी जो है एनिमल फिल्म में इसी तरह से फिल्माया गया है कि वो जो भीड़ में जाके कुल्हाड़ी से अपने शत्रुओं को अर्थात अपने दुश्मनों को मारते हैं और काटते हैं। तो इस प्रकार से जो है ऐतिहासिक रेफरेंस लिया गया है अर्जन सिंह नलवा के द्वारा और सिख भाइयों के द्वारा, उन्हीं के द्वारा ये गाना को गाया गया जो कि पंजाबी लोकगीत है, इसी कारण से जिसको जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिल रही है, क्योंकि ऐतिहासिक रेफरेंस लेकर संदीप रेड्डी वांगा ने इस फिल्म को जो है इस गाने को रखा है। तो आप सोच सकते हैं कि साउथ का डायरेक्टर जो है कहाँ से पंजाब का जो है इतिहास को जानते हो, इस फिल्म में जो है इस सॉन्ग को रखता है। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक रेफरेंस को लेते हुए जो है इसमें जो है अर्जन वैली इस सॉन्ग को डाला गया है। तो इस प्रकार से शेर पंजाब के नाम से प्रसिद्ध महाराजा रणजीत सिंह जिनका शासन काल होता है 1839 तक, इससे पहले ही जो है हरि सिंह नलवा 1837 में जो वीर गति प्राप्त हो चुके हैं। महाराजा रणजीत सिंह जी जो अभेद्य जो सेना थी, जो सिख एम्पायर की जो सेना थी, उनको जो है लीड करते हैं, उनके मेजर जनरल होते हैं, उनके कमांडर इन चीफ होते हैं हरि सिंह नलवा। और आगे चल के इनके ही पुत्र होते हैं, वो होते हैं अर्जन सिंह नलवा, जिनके ऊपर ये जो गाना आधारित है पंजाबी लोकगीत जिसको लिया गया है और इसको जो फिल्म में उपयोग किया गया। तो सोचिए इस प्रकार से ऐतिहासिक रेफरेंस लेके किस प्रकार से हमारे इतिहास के साथ मूवी को कनेक्ट करके बनाया जा रहा है, ऐसे डायरेक्टर्स की हमें और ज़रूरत है, जो कि जैसे कि एस एस राजामौली, संदीप रेड्डी वांगा, जो कि हमारे इतिहास की जड़ों को जो है वर्तमान से कनेक्ट करते हैं और फिल्मों के माध्यम से उन्हें दिखाते हैं। तो इस प्रकार से आपका इसके बारे में जानते थे। क्या आपने अर्जन वैली सॉन्ग सुना, आपको कैसा लगा, क्या आपने एनिमल मूवी देखा, कमेंट्स के जरूर बताएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।